नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश देवास के भागीरथ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। इस वक्त मैं खड़ा हूं देवास जिले के टोंक खुर्द गांव में। मेरे आसपास जो आप हरियाली, तालाब और हरे भरे खेत देख रहे हैं, इससे आप अपने नैसर्गिक ज्ञान से यहाँ के किसानों की खुशहाली का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये खुशहाली सिर्फ किसी गाँव की नहीं है, बल्कि इस जिले के हजार से ज्यादा गाँव के किसानों की यही कहानी है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7-8 साल पीछे अगर फ्लैशबैक में आपको लेके चलें, तो यहाँ के किसानों की खुशहाली ऐसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही बदकिस्मत थे। बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ के किसान तरस रहे थे। आखिर क्यों था इनका यह हाल? साल 2005, खेत खलिहान सब सूखे पड़े थे। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। किसान गांवों से पलायन कर रहे थे। लेकिन ये वक्त था टर्निंग पॉइंट, जिसने ये साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो कामयाबी कदम चूमेगी। हमारी ये रिपोर्ट देवास के उन सैकड़ों हजारों किसानों के अदम्य साहस, संघर्ष और मजबूत इरादों को समर्पित है, जिन्होंने भागीरथ की तरह अपना पसीना बहाकर तालाबों में गंगा को ठहरने को मजबूर कर दिया। गंगा से हमारा मतलब उन निर्मल आसमानी बूंदों से है जो चंद रोज ही बरसती हैं, वरना गंगोत्री से निकलने वाली गंगा को तो हम कब से मैला कर रहे हैं। देवास जिला इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 158 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चामुंडा और माँ तुलजा देवियों के वास का स्थल है देवास। देवास यानी देवों का वास। अगर हम इस शहर का इतिहास देखें तो 17वीं सदी में इस शहर को शिवाजी के सेनापति साबू सिंह पंवाज ने बसाया। महाकवि चंदर बरदाई ने अपनी किताब पृथ्वी राज रासो में इस शहर का जिक्र किया था। इतिहास में ऐसे प्रमाण हैं कि पहले इस शहर में पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में तालाबों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया गया, जैसा कि हम जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में देखते हैं। यहाँ एक बात और बता देना चाहूंगा, यहाँ ज्यादातर बसाहट ऐसे लोगों की है जो राजस्थान में पानी के संकट के कारण वहां से पलायन करके यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण, मकान, कारखानों ने इन लोगों को फिर एक बार सूखे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस बार स्थिति कहीं ज्यादा भयावह थी, क्योंकि संकट अस्तित्व का था और गांव और शहरों के खाली होने तक की खबरें आने लगी। लेकिन ये सूखा प्राकृतिक कारणों से नहीं था, बल्कि इंसान ने खुद ही इसका बीज बोया था, क्योंकि ज्यादातर तालाबों और बावड़ियों को इंसानों ने लालच और आधुनिकता के घर, कारखानों से ढक दिया था। पानी देने के अधिकांश स्रोत ढके जा चुके थे। ये बात कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। देवास स्टेशन गवाह है 25 अप्रैल 1990 उस तारीख का, जब इंदौर से चलकर 50 टैंकर वाली रेलगाड़ी पानी से भरी हुई पहली बार स्टेशन पर आई और पूरे शहर में इसका पानी बांटा गया। लेकिन इसके बाद बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहा। एक दो दिन नहीं, अगले बहुत समय तक सिलसिला जारी रहा। लेकिन जरा सोचिए देवास जिले के हजार से ज्यादा उन गाँव के बारे में जिनके बारे में ना सरकार ने सोचा ना प्रशासन ने, आखिर उनकी प्यास कैसे बुझी होगी। कितनी अजीब बात है, जिस शहर में पानी की कोई कमी नहीं, वहां अगले कुछ सालों तक रेल से पानी लाया जाता था और बांटा जाता था। लेकिन जरा सोचिए, गांवों के किसान बर्बादी की कगार पर खड़े होकर एक टक निहार रहे थे सरकार की तरफ, क्योंकि उनके सामने सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि रोटी का भी संकट था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि पानी के बिना फसलें बर्बाद हो रही थीं,
खेत खलिहान बंजर हो रहे थे, पशु मारे जा रहे थे। और किसानों के भरण पोषण की तो बात ही छोड़िए साहब, कागजों पर उनके लिए इतनी योजनाएं हैं कि पढ़ते पढ़ते हवाई खेत भी लहलहा उठें। दरअसल जल संकट इन गांवों में 60 के दशक से ही दिखने लगा था। सिंचाई के लिए उचित जल प्रबंधन और नहरों की अनुपस्थिति में 60 से 70 के दशक में ही नलकूप संस्कृति और मोटरों से भूजल दोहन को जमकर बढ़ावा मिला। आधुनिक खेती के बेहतर विकल्प और इसके लिए बड़े पैमाने पर कर्ज और अन्य सुविधाओं के कारण नलकूप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे, जिसके कारण बाढ़ आई, नदी या पानी की नहीं नलकूपों की। एक तरफ बड़े और रसूखदार किसानों के खेत लहलहा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साधन विहीन किसानों के कुओं से भी पानी नदारद हो रहा था। लेकिन खुशहाली की ये कृत्रिम तस्वीर ज्यादा दिन कायम नहीं रह पाई। 60 से 70 फुट गहराई पर मिलने वाला पानी 10 से 20 सालों में ही 700 फुट नीचे तक पहुंच गया। नतीजा, हर एक किसान को साल दर साल नए नए नलकूप खोदने को मजबूर होना पड़ता था। हर एक गांव में 500 से लेकर 1000 नलकूप थे, जो किसानों की कुल संख्या से भी कहीं अधिक था। और दूसरी तरफ नए नए नलकूपों की गहरी होती खुदाई से किसानों का कर्ज भी गहराता चला गया। अगर हम भूजल स्तर का आकलन करें तो ये भौगोलिक परिस्थितियों पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। इसका खारापन, लवण, खनिज, ये सब विभिन्न परतों में बटे हुए हैं। लेकिन एक निश्चित मात्रा से नीचे जाने पर ऐसे खनिज भी पानी के साथ आने लगते हैं जो स्वास्थ्य या किसानी की दृष्टि से अच्छे नहीं कहे जा सकते। संभव है कि निश्चित गहराई से नीचे का पानी आपके खेतों को बंजर कर दे, और इस सब का नतीजा बेहद नकारात्मक हुआ। हमने पहले एक होल लगाया, होल में जो पानी निकला तो उसमें क्या 5-4 घड़े भरे जब तक तो मीठा पानी, उसके बाद में कुछ मौड़ा पानी, उसके बाद में ऐसा पानी मिला कि जो मुंह में कड़वा लग रहा था। हमने उससे 2 साल तक खेती करी। उसके बाद में मोटर जब बिगड़ गई तो उसको निकाला और पाइप वो लाइन को जब निकाली और नीचे डाली तो उसमें से जैसे कप बसी के टुकड़े फूटे हुए निकलते हैं ना, ऐसे पाइप में से गिरे तो पाइप भी ख़त्म कर देता वो पानी, और बहुत खराब पानी था इसलिए उसको भी बंद किया। लगातार हो रहे जल दोहन, बर्बाद हो रहे खेतों के कारण 1970 से 90 के दशक में किसानों ने खेती कम और जमीन बेचने का काम कहीं ज्यादा किया। 90 का दशक आते आते पीने के पानी के भी लाले पड़ने लगे। देवास के कलमा, टोंकला, धतुरिया, नेपानिया, गोरखा, पारलिया, इन जैसे असंख्य गांवों के किसानों के लिए खेती अब बीते कल की बात थी, और अगर होती भी थी तो बहुत ही कम, क्योंकि यहां पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 900 mm है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। और अब बारिश ही एकमात्र सहारा थी, किसानों का और सरकार का भी। सन 2006 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उमाकांत उमराव की नियुक्ति हुई देवास जिले के कलेक्टर के रूप में, और वे भी किसी सार्थक हल की तलाश में थे। हालांकि उनके दिमाग में रालेगंज सिद्धि का वाटर मॉड्यूल था, जहां किसानों ने सामूहिक प्रयास से तालाबों का निर्माण करके पानी की समस्या से निजात पाई थी। लेकिन ये फॉर्मूला शायद देवास की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। तो आखिर उपाय क्या था? तालाब और बावड़ियां भारतीय परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन अफसोस, खेती के आधुनिक तौर तरीकों के इस्तेमाल में हमने तालाबों को हाशिए पर डाल दिया है। इसमें एक खास बात यह सामने आती है कि घरों को अगर पानी की जरूरत है तो आप कुआं खोद लेते हैं,
शहर को या गांव को पानी की ज़रूरत किसी ज़माने में हुआ करती थी तो वो अपने लिए एक तालाब या पनघट का निर्माण कर लिया करता था, लेकिन खेत को किस चीज़ की ज़रूरत है? खेत को बहुत सारी बातों की ज़रूरत है, पानी की तो है, साथ ही उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट नहीं होना चाहिए। उर्वरा शक्ति का मतलब उसके जो बैक्टीरिया ज़रूरी हैं, जो खनिज तत्व उसको ज़रूरी हैं, वो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो हमने जो शोध किया उसमें सबसे ज़्यादा खास मुद्दा मुझे यही लगा कि जो बैक्टीरिया जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कुएँ होते हैं उसके अंदर आप 20 से 30 फीट या 40 फीट नीचे जाके पानी लेते हैं, माना जाता है कि वो पानी शुद्ध होता है, यानी उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते। लेकिन जो धरातल पर पानी होता है, वो जो एक पट्टी होती है, उसके अंदर बैक्टीरियाज बहुतायत में होते हैं। खेतों में जो वेस्ट जाता है, जानवरों का वेस्ट जाता है या अन्य मौसमी कारणों से जो वेस्ट जाता है, वो कहीं ना कहीं सड़ता है, खाद की शक्ल रहता है, और छोटी छोटी नालियों के माध्यम से वो जो खेत का जो तालाब है वहाँ जाकर एकत्रित हो जाता है। तो कहना चाहिए कि वो जो छोटा सा तालाब बना है वो वास्तव में बैक्टीरिया से भरपूर है। खेत को, फसल को जिन तत्वों की ज़रूरत है, जिस बैक्टीरिया की ज़रूरत है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने की जो ज़रूरत है, वो नैसर्गिक रूप से, जैविक रूप से पूरी हो जाती है। तो कहना चाहिए एक पंथ दो काज, आपका खेत भी बन गया, तालाब भी उसमें आ गया, उर्वरा शक्ति बढ़ गई, जल स्तर बढ़ गया सबसे बड़ी, और बिजली की जो जो कमी रहती है गाँवों में उससे भी आपने निजात पा ली। उसके चलते जो एक कोठाराघात होता है, बिजली की कमी के चलते बहुत बड़ी समस्याएं सामने आती है, उससे भी कहीं ना कहीं आप बच गए। तत्कालीन कलेक्टर उमाकांत उमराव ने जल संकट के उपायों पर चर्चा के लिए किसानों की सभा बुलाई और अपनी योजना में सबसे पहले बड़े किसानों को जोड़ने की पहल की। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए आमतौर पर जल बचाव जैसे पारंपरिक जुमले की तरह पानी में निवेश का मॉडल किसानों को बताया, लेकिन पानी में निवेश यानी पानी का बिजनेस मॉडल। ये समस्या पूरे जिले की थी, और बल्कि जिले की नहीं, इस पूरे क्षेत्र की ही समस्या थी। तो मुझे एक ऐसे मॉडल की तलाश थी जो स्वयं से एडॉप्ट किया जा सके, सेल्फ रेप्लिकेबल होना चाहिए। मुझे ये समझ में आया कि जो पूरे देश में मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं, ज़्यादातर वो व्यक्तित्व आधारित हैं, किसी व्यक्तित्व के आधार पर उनकी स्वीकारिता है। मैं एक ऐसे मॉडल की तलाश पे था जो मेनली लाभ के आधार पे हो। तो यहाँ जो मॉडल हम लोगों ने अपनाया है वो दरअसल जल संरक्षण का एक बिजनेस मॉडल है, जो सेल्फ रेप्लिकेबल है, प्रॉफिटेबल है, और इन्वायरमेंटली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मॉडल है। वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना एक लाभ का इन्वेस्टमेंट है, और वो इकोनॉमिकली वायबल मॉडल है। और शायद यही कारण है कि इसकी जो स्वीकारिता है और फैलाव है वो बिना किसी सीमा के अपने आप तेजी से फैलता रहा है, और अभी भी उसी गति से फैल रहा है। किसानों को समझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये काफी महंगा सौदा था, किसानों के लिए भी और उमाकांत उमराव के लिए भी। कहीं भी थोड़ी सी भी भूल चूक किसानों की बदतर स्थिति को आत्महत्या की तरफ धकेल सकती थी, लेकिन पहल तो कहीं ना कहीं से करनी ही थी। जितने भी आदान हैं कृषि के, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, अच्छे बीज हो, कीटनाशक हो, सभी में केवल इतनी ताकत होती है कि प्रोडक्शन को 10-20% बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ना ही वो क्रॉप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। केवल पानी में ही है कि वो एक क्रॉप से नंबर ऑफ क्रॉप बढ़ा देगा, 2 या 3-4 क्रॉप तक आप जा सकते हैं, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी 2-3 गुनी तक भी बढ़ सकती हैं। तो हमें किसानों को केवल ये समझाना था कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पानी में, सिंचाई तालाब बनाने के रूप में, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ने वाली है, और वो किस हद तक बढ़ेगी कि जो पैसा आप तालाब बनाने में लगाएंगे वो आपका कितने वर्षों में पैसा वापस हो जाएगा। ये एक बिजनेस मॉडल था, जैसे मैंने पहले कहा, ये बिजनेस मॉडल था, और इस बिजनेस मॉडल को लेकर ही किसानों को हमको समझाना था। अच्छी बात ये थी कि इसकी जो गणना है वो इतनी साधारण है कि हर किसान को समझ में आती है, एक आम किसान को शायद एक पढ़े लिखे किसान से ज़्यादा समझ में आती है। जैसे ही हम लोग गए किसानों के बीच में और हमको ने उनको ये समझाया कि जो आज की स्थिति में उनके पास में लैंड होल्डिंग है उससे वो कितना उत्पादन ले रहे हैं और कितना पैदा कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यदि अपने ही खेत के कुछ भाग में यदि वो तालाब बना लेते हैं और उसमें जो पानी इकट्ठा होगा वर्षा जल,
उससे जब वो अपने सिंचाई करने में सफल होंगे तो उनका कितना उत्पादन बढ़ जाएगा और कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये गणना किसानों को जैसे ही समझ में आया फिर लोग कन्विंस होते चले गए। ज्यादातर किसानों ने 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट और अपने ही खेत के एक हिस्से पर तालाब निर्माण की योजना को एक सिरे से खारिज कर दिया। देवास के कृषि विभाग के सहायता संचालक मोहम्मद अब्बास के सहयोग से बड़े किसानों की एक सूची तैयार की गई, जो कि इस तरह के निवेश का जोखिम उठा सके, जिसके परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपे हुए थे। कारण सीधे से थे। पहला, बड़े किसान संपन्न थे, और दूसरा, भूमि के जल का सबसे ज्यादा दोहन उन्हीं ने किया था, इसलिए इसकी भरपाई का नैतिक दायित्व भी उन्हीं का था। निपानिया गांव के पोप सिंह एक बड़े किसान हैं। जमीन काफी है, लेकिन उस पर 10% से ज्यादा जमीन पर खेती नहीं कर सकते थे। उन्होंने सशंकित मन से ही सही इस योजना को अपनाने का मन बनाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी पैसों की ही थी। लेकिन पोप सिंह की सहमति उमाकांत उमराव की तालाब निर्माण योजना में मील का पत्थर साबित होने वाली थी, इसीलिए बैंकों को भी अपनी पॉलिसी में लचीला रुख अपनाने को कहा गया। आखिरकार 14 से 15% की ब्याज दर पर किसानों ने पैसा लेकर काम शुरू कर दिया। परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे। पहले मेरी जमीन में सूखा था, कोई पानी का साधन नहीं था। उसके बाद में फिर कलेक्टर साहब आए यहाँ एक बार, उनसे मैंने किया साहब हमें तालाब खुदवाना है, तो उनने कहा खुदवा लो। मैंने कहा साहब वो क्या है कि बैंक वाले हमको लोन नहीं देते हैं। उन्होंने कहा हम दिलाएंगे आपको लोन। मैंने कहा साहब सुनते नहीं, वो तो भगा देते हैं। बोले कि नहीं कैसे भगाएंगे, हम आपको लोन दिलाएंगे। फिर उनके जरिए हमने बैंक में कार्रवाई करी, हमको 10 लाख का फिर लोन मिला और 4 लाख रुपये हमने हमारे निजी लगाए चौथान, उसके बाद 10 लाख रुपये मिले हमें। उसके बाद में ये काम चालू हो गया और ये तालाब बन गया। पहले तो हमें ट्यूबवेल थे हमारे पास में, तो हम 10-20 बीघे में कवर करते थे। अब हमारी सारी जमीन सिंचित हो जाती है 101 बीघे करीब। तालाब में पानी बामुश्किल पहली या दूसरी बारिश में ही भर गया और उनकी खेती लहलहा उठी। जो बैंक उन्हें कल तक कर्ज देने में आनाकानी कर रहे थे, अब उनके आगे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि बैंक का कर्ज उन्होंने जल्दी ही लौटा दिया था और अब अपने खेतों से एक नहीं बल्कि 3-3 फसलें ले रहे थे। पोप सिंह सचमुच कलेक्टर की तालाब निर्माण योजना में मील का पत्थर बन चुके थे और उसके बाद तालाब निर्माण की बाढ़ आने वाली थी। आज पोप सिंह इस तालाब की बदौलत काफी संपन्नता अर्जित कर चुके हैं और उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व भी है। टोंककला गांव के ही हैं किसान प्रेम सिंह। बरसों पहले कृषि विभाग से रिटायर हुए हैं। उन्होंने भी गांव-गांव जाकर ट्रेनर के रूप में तालाबों के बिजनेस मॉडल को अन्य किसानों तक पहुंचाया। जैसे किसानों ने तालाब बनाए अपने निजी खेत के अंदर अपने सोर्स से, सरकार जाएगी, सरकार ने बाद में फिर खेत तालाब योजना आई। खेत तालाब योजना के बाद फिर छोटे तालाब बने थे, ये छोटे तालाब मतलब अपने ये खेत तालाब योजना के। इसके बाद देखा, जब इसकी सफलता देखी तो सरकार ने इसका रूप बढ़ा दिया। रूप बढ़ाने के बाद इसके अंदर ये बड़े तालाब बनने लगे, 1 बीघे के 2 बीघे के 6 बीघे के। तो हम जैसे मेरे जैसे किसान जो कि ये देखा कि ये छोटे तालाब, तो हमने एक नारा दिया था यहाँ अपनी ज़मीन के अंदर 1/10 हिस्से के अंदर तालाब बना, 1/10 मैंने 10 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघे का तालाब बनाओ, और उसकी तरह से ये नारा हमने पूरे ज़िले के अंदर दिया और उसको किसानों ने माना। और ये 1 बीघा ज़मीन जो तालाब बना रहे थे, ये तालाब ज़मीन की बर्बादी नहीं, एक बिना जो 9 बीघा ज़मीन बची थी, ये 9 बीघे से और डबल ज़मीन हो गई उस किसान की, क्योंकि ये 2 फसल होने लगी तालाब से। देवास ज़िले में तालाब निर्माण की इस योजना को भागीरथ कृषक योजना नाम दिया गया। किसानों को
जल बचाओ लाभ कमाओ का संदेश दिया गया है। उमाकांत उमराव जैसे दृढ़ निश्चय कलेक्टर, मोहम्मद अब्बास और अन्य कृषि ट्रेनरों की अगुवाई में टीम गांव-गांव जाती और किसानों को अपनी जमीन के दसवें हिस्से पर तालाब बनाने की अहमियत समझाती। उन्हें बताया गया कि दसवें हिस्से में तालाब बनाने का मतलब जमीन का कम होना नहीं, बल्कि 10 बीघा असिंचित जमीन से 9 बीघा सिंचित जमीन बेहतर है। इस वक्त मैं देवास जिले के धतुरिया गांव में, ऐसा गांव है जिसे 2008 में जल संवर्धन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये एक ऐसा गांव है जहां 150 परिवारों के पास हर एक के पास अपना एक पर्सनल तालाब है। यहां पे 155 से ज़्यादा तालाब है, लेकिन जल को बचाने की मुहिम इनकी यहीं पर खत्म नहीं हुई। यहाँ पर अभी भी एक जागरूकता अभियान, जागरूकता कैंप चलाया जा रहा है मोहम्मद अब्बास जी के द्वारा। अब्बास जी, जब पहली बार आप यहाँ पर आए, आप लोगों को समझाया जल संवर्धन के बारे में, तालाबों को लगाने के बारे में, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको लोगों से? सर्वप्रथम जब हम ग्राम धतुरिया में आए तो यहाँ स्थिति ये थी कि यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता था, यहाँ जो मवेशी पालते थे उसको समुचित पानी नहीं मिल पाता था, उनको खिलाने के लिए जो है पशु चारा नहीं मिलता था, और दूर दराज से जो है लोग पानी पीने के लिए यहाँ जो है लाते थे, बड़ी समस्याएँ थी। मगर लोगों को पानी का जब अर्थशास्त्र बताया गया, एक दो किसान इस गांव में ऐसे भी थे जिन्होंने पूर्व में तालाब बनाए थे, और उनके उदाहरण दे करके उनको बताया गया पानी का अर्थशास्त्र, पानी का मोल पहचानिए। यदि पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाता तालाब बनाते हैं तो ज़मीन की वैल्यू दोगुना बढ़ जाती है, और जब आप पैदा हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो आप लोन लेंगे वो भी देंगे, साथ में FD भी जमा कराएंगे। तो इस प्रकार जो किसानों को समझाया गया, इसी प्रकार बैंकों को समझाया गया, तो बैंकर्स ने इनको लोन भी दिया है, यहाँ कैंप लगा के दिया, और हमारे किसान भाइयों ने कुछ बैंक से लिया, कुछ जेब से लगाया। किसानों के बीच में हमने एक संगोष्ठी आयोजित की गई, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ लोगों को जब प्रेरित किया, तो इस प्रकार से इस गाँव के किसानों ने इसमें जब काम कंधे से कंधा मिला करके जो काम किया, तो ऐसा लग रहा था कि जब तालाबों का निर्माण चल रहा था जैसे किसी प्रकार की एग्जीबिशन लगी हो। आज की तारीख में हर परिवार में जो है वो तालाब बने हुए हैं। अब किसान भाई के इस तालाब बनाने से इस गांव का जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ पर्यावरण में सुधार हो गया है, और रबी में जो है, जबकि सबसे कम जिले में बरसात इस विकासखंड में होने के बावजूद भी 100% इस गांव में जो है रबी की फसल पूरी ली जाती थी, अब रुझान जो है गेहूं और चने की हाई यील्डिंग वेराइटियों को बोना ही नहीं है बल्कि उद्यानी की फसल को लगा कर हाईटेक खेती करना है। धीरे धीरे पानी का अर्थशास्त्र किसानों की समझ में आ रहा था, क्योंकि वो इस योजना को अपनाने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को भी देख सुन रहे थे। कुछ ही महीनों में वर्ष 2006 से 2007 में सैकड़ों तालाब बना लिए गए। इन तालाबों को रेबा सागर नाम दिया गया। जब पानी के भाव में देवास जिले के आसपास के किसान त्राही त्राही कर रहे थे, खेती किसानी सब चौपट हो रही थी, ऐसे में प्रशासन की अगुवाई और किसानों की एकजुटता के सामने एक नया अभियान सामने आया, भागीरथ कृषक अभियान इसको नाम दिया गया, जिसके अंदर किसानों ने रेवा सागर के नाम से अपने तालाब बनाए। हर एक किसान ने अपने अपना तालाब बनाने की ठानी, जिनके पास पैसा था उन्होंने तो इसमें पैसा लगाया ही, जिनके पास नहीं था उन्होंने भी लोन पर पैसा लिया और बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया। इसी अभियान का नतीजा है कि आज यहाँ पे 1-2 नहीं 2-4 सौ नहीं बल्कि पूरे 8-9 हज़ार से ज़्यादा तालाब है, जिसने पूरे देवास जिले का कायाकल्प भी कर दिया है। तालाब बनने से जो विकास हुआ है, जो समृद्धि आई है, इसका उदाहरण आप जहाँ बैठे ये दिख रहा है, ये मकान, ये गाड़ियाँ, ये मंदिर, ये सारे जो है देन तालाब की है। हमने जो देखा है तालाब बनाने के बाद में, जैसे 10 बीघे पे 1 बीघे का तालाब बनाया, 20 बीघे पे 2 बीघे का बनाया, पहले एक खेती होती थी, एक फसल होती थी, उससे उत्पादन उतना मिलता था, लाभ कम मिलता था, अब
रबी खरीफ की फसल होने के बाद में एक पलेवा करके रबी की फसल मिलती है, तो मतलब तीन गुना लाभ मिलने लग गया उससे हमें। मतलब मेरा ये क्षेत्र ऐसा था कि पूरा बारिश की फसल ले पाता था, बाकी ऐसे ही पड़ी रहती थी, और अब ऐसा हो गया कि सारी खेती वो पूरी सिंची होती है, और उससे मकान है, गाड़ी घोड़े हैं, बच्चे सब आजकल कोई इंदौर में, कोई उज्जैन में, इंदौर में मतलब देवास में पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है उससे। रेवा देवास के पास ही बहने वाली नदी नर्मदा का ही एक और नाम है, और इन किसानों को कहा गया भागीरथ कृषक। गौरतलब है कि तालाबों को खोदने के लिए तत्कालीन कलेक्टर उमाकांत उमराव ने भी बहुत से खेतों में फावड़ा चलाया, जिससे किसानों को प्रेरित किया जा सके। देवास जिले में खासकर उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर उमाकांत उमराव रहे, उन्होंने एक मॉडल सामने रखा कि आपका खेत, आपका पानी, आपका तालाब। ये एक सेल्फ मोटिवेटेड मामला तो था ही, लेकिन बहुत ज़रूरी ये था कि लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जाए, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए, और जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही बूंद बूंद करके बहुत तेज़ी के साथ कहीं ना कहीं एक कारवा तैयार किया जाए। और ये बात समझ में आती है कि ये इसने बहुत जल्दी से एक स्किल्स का निश्चित तौर पर प्रशासन को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि प्रशासन यदि कोई चीज़ को हाथ में ले लेता है और जनता के साथ जुड़ जाता है, खासकर किसानों के साथ जुड़ जाता है, तो एक तरह से ज़रूरी ईंधन जो इंजन को चाहिए होता है उसका काम करता है। तो यहाँ पर तालाबों को लेकर जो फायदे बतलाए, ये माना जाना चाहिए कि किसानों ने इसको हाथों हाथ लिया, और आज ये है कि टोंक खुर्द ब्लॉक एक छोटा सा ब्लॉक है, यहाँ 6,500 के लगभग तालाब, खेत खेत तालाब बन जाना निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। मैं मानता हूँ कि एक उदाहरण का काम करता है। कलमा गांव के हुकुम सिंह राजपूत बहुत पुराने समय से खेती कर रहे हैं। उन्होंने खेतों को हरा भरा, फिर बंजर और फिर हरा भरा होते हुए बहुत करीब से देखा है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खेती छोड़ने का मन बना लिया था। मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, लेकिन नीर निकालने का साधन कहाँ था, निकाले कैसे, जमीन पे पानी भरा है, पानी तो सदा नीचे ही जाता है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए कोई साधन नहीं था, जो साधन था बहुत महंगा था, और उसके अंदर चड़स जो बेल से चलाते थे, रेहड़ चलाते थे, वो बहुत कम पानी निकलता था उससे। आज कलमा गांव में ज्यादातर पक्के मकान, ट्रैक्टर, गाड़ियां, वो सब है जिसकी एक समृद्ध समाज कल्पना करता है। भागीरथ कृषक योजना ने साबित कर दिया कि अगर सोच और दिशा सही हो तो दशा यानी भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 1.5 हेक्टेयर जमीन जो है उसमें पहले सिर्फ 4-5-6 क्विंटल अनाज से ज्यादा होता नहीं था, और आज उसमें वो जो पहले होता था वो तो होता ही है, इसके अलावा जब पानी फिरते हैं तो कम से कम 120 क्विंटल के करीब गेहूं बढ़ गए, और उस तालाब की ही देने, और वो 8 बीघे में एक तालाब जो करीब करीब 1.5 बीघे में बनता है या 1 बीघे करीब बनता है, वो उसको डेवलप कर देता, उतना पानी उसके अंदर पूर्ति हो जाती है। तो अपने को 1 बीघा ज़मीन मान लीजिए, इसके बाद में भी उसमें दूसरी फसल बाद में भी थोड़ी अंदर भी हो सकती है, उसकी पाल के ऊपर अरहर भी हो सकती है, ने तालाब की जमीन बेकार बिल्कुल नहीं जाती। आज टोंक कला खुर्द तहसील के आसपास लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पैसा आने से इनका जीवन स्तर भी बदला है। यहाँ बड़ी संख्या में ईंट फैक्ट्री, कारखाने, स्कूल सब खुल गए हैं। ज्यादातर किसानों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। टोंक खुर्द में लगभग प्राइवेट विद्यालय 10 से 15 विद्यालय हैं, क्योंकि पूर्व में हमने देखा था जब मैंने 2003 में यहाँ पर चालू करा, तब विद्यालय बिल्कुल नहीं के बराबर थे प्राइवेट, और जो किसान के पास में कोई इनकम नहीं थी, इस कारण से वो प्राइवेट विद्यालय में भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन आज देखते हैं हम, सभी के घर पक्के बने हुए हैं, सभी के घर टीवी हैं, सभी भौतिक सुख सुविधाएं संपन्न हैं, इसके बाद वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए
गांव के बाहर और हमारे जैसे कस्बे में भेजते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस हुई है गाँव में उससे कहीं ना कहीं हमारा भी फायदा होता है। बड़े किसानों के तालाब निर्माण का असर छोटे किसानों पर भी पड़ा। जो साधन संपन्न थे उन्होंने तालाब का निर्माण किया तो इससे छोटे किसानों की समस्या खुद ब खुद खत्म हो गई। भागीरथ कृषक अभियान के महत्व को बड़े बड़े किसानों समझा और तालाबों को अपने बड़े बड़े खेतों में बनवाया भी। और जो किसान कल तक पाई पाई को मोहताज था आज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में खेल रहा था। लेकिन जरा सोचिए उन छोटे छोटे किसानों के बारे में जो पैसा इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं था, उन किसानों का क्या हुआ होगा, इस बारे में जानेंगे जरूर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास जिले के टोंककला गांव में। दोस्तों यकीन मानिए अपनी इस कहानी के दौरान मुझे गांव को गांव स्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ यहाँ मैं छोटी छोटी गाड़ियाँ या बैलगाड़ियों को देखने का मन बना करके आया था, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले खड़े हैं। कच्चे पक्के मकानों के बजाय बड़े बड़े भवन यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ के किसानों की खुशहाली देखते ही बनती है। यहाँ के किसान किसी भी हालत में हरियाणा और पंजाब के किसानों से कम खुशहाल नहीं हैं। अगर 24 घंटे भरपूर बिजली रहे तो शायद यहाँ पे 24 घंटे एसी भी घनघनाते रहें। बहरहाल ये तो है किसानों की संपन्नता की कहानी। हम बात करें तो उन छोटे किसानों की जिनके पास तालाब बनाने के लिए पैसे नहीं थे, उनका क्या हुआ। दरअसल भूमि में जल का स्तर तेजी से बढ़ा जिससे आसपास की जमीन भी उपजाऊ और कृषि योग्य हो गई। जब तालाबों में पानी भरने की वजह से उसकी रिचार्जिंग हो गया, रिचार्ज हो गया पानी, और इनके ट्यूबवेल और हैंडपम्प और ये कुओं में जो है आज पानी देख रहे हैं, ये पानी की आवक शुरू हो गई जिससे कि छोटे छोटे किसान अपनी छोटी छोटी जमीनों में अपने तालाब और ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई करने लगे। ये सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि हम देख रहे थे कि जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जो किसानों की संख्या है वो छोटे किसानों की है। छोटे किसानों ने छोटे छोटे कुओं का निर्माण करा लिया और अब वो आसानी से अपने खेत सींच सकते थे। अब वो भी खरीफ, रबी और जायद की फसल आसानी से उगा सकते हैं। आज इस कुएं में देखिए और बताइए कि इसमें कितना लबालब पानी भरा हुआ है। जो तालाबों में पानी इकट्ठा होता है वो नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहता है। ये तालाब है इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनमें सामान्य तौर पर फरवरी के बाद में पानी नहीं रहता है, और वो इसलिए नहीं रखा जाने का प्रावधान किया गया है क्योंकि जो लॉस होता है तालाबों से पानी का वो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन लॉसेस होते हैं, वाष्पीकरण का लॉस होता है। लेकिन जो वाष्पीकरण लॉस होता है उसका लगभग 75 से 80% वो फरवरी से जुलाई तक होता है, उस दौरान इन तालाबों में पानी नहीं रहता है। तो जो सिंचाई लोग प्रयोग करते हैं वो सामान्यतः रवि तक करते हैं, फरवरी तक करते हैं। उसके बाद यदि किसी किसान को पानी की आवश्यकता है तो पानी जो ग्राउंड में जा रहा है लगातार और जिसके वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, वो लोग थर्ड क्रॉप में, तीसरी फसल में, लोग अपने जो उनके ट्यूबवेल थे पुराने या उनके कुएँ थे उससे निकाल के सिंचाई खेतों में कर लेते हैं। इस तरह ऑटोमेटिकली स्वतः ही यहाँ पर कंजक्टिव व्यूज ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का वो एक संतुलन यहाँ पे बना हुआ है जो बांधों और नहरों के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाता है। दरअसल ये है पानी का स्तर जमीन से। तालाबों ने सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर बदला है। रास्ते में हमने बहुत सारे दुधारू पशु देखे जो तकरीबन हर गांव से थे। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ
कि हर गांव से 2 से 3 हजार लीटर दूध ट्रैक्टरों में भरकर सप्लाई होता है। पशुपालन में पानी चारे और रखरखाव में अहम भूमिका निभाता है। हरे भरे चारे का असर दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही होता है। जब से जमीन का वाटर लेवल ऊपर हुआ है तब से यहाँ के किसानों ने चेरी है, लचका है, बरसी है, ऐसे कुछ करके मतलब कि अपना बिजनेस जोड़ने का तरीका किया। यहाँ पे जब से गायें जर्सी गायें हैं, भैंस है, मुर्रा भैंस है, जैसे ऐसे कुछ परिवर्तन हुआ। और उसके बाद में दूध क्या है कि एक आदमी जब 2 लीटर ना पाता था वो करीबन 10 लीटर दूध ना पा रहा है तब, और उसको अच्छा कि यहाँ पर भाव मिलता है, फैट मिलता है, वो डिग्री के हिसाब से दूध। पहले साइकिल से दूध जाता था यहाँ पे, फिर उसके बाद में कुछ गाड़ियों से जाने लगा, अब टैंकर से जाता है। हमारे यहाँ पे करीबन 7 से 8 वर्ष पूर्व मतलब कि ये सिलेंडर डले हुए हैं ताकि यहाँ से किसान को भी कोई दिक्कत नहीं आए और जो सस्ता चल रही है सस्ता वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तब से जब टैंकर जाने लगा मांगलिया सस्ता में तो दूध का मतलब कि वर्चस्व यहाँ से ज़्यादा निकला और किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। ज्यादातर किसान खेत और पशुपालन दोनों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। बेहतरीन नस्लों की गाय भैंस आपको आसानी से दिख जाएंगी। इस पशुधन से मिलने वाली खाद से खेत ही नहीं, इनके रसोई घरों में भी गोबर गैस से इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि तालाबों को शुरुआत में 6 से 7 फुट की गहराई में खोदा जाता है और साल दर साल तालाब को खाली करके उसकी दलदली परत वाली मिट्टी को खेतों में बिछा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता बढ़ाने में काफी अहम साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ तालाबों की गहराई भी साल दर साल बढ़ती चली जाती है। आज यहाँ पर कई तालाब 40 फुट से भी ज्यादा गहरे हैं। तालाबों का असर सिर्फ किसान या आसपास के गांव समाज पर ही नहीं पड़ा। वर्षों से यहां एक डीनोटिफाइड ट्राइब यानी घुमक्कड़ समाज चोरी और ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे गैर कानूनी कामों में संलिप्त था, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे कामों की वजह से उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। इन तालाबों ने इन्हें भी किसानों के साथ विकास के क्रम से जोड़ लिया और आज ये लोग बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादन करके समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारे गांव में धतूरिया, टोकला, चिड़ावत में जो तालाब बनाए किसानों ने उससे क्षेत्र में काफ़ी फायदा हुआ है। जैसे वाटर लेवल बढ़ा है, पशु नहाने धोने और गेहूं और चना इत्यादि फसलें जो है सुगमता से उपलब्ध होती है और इससे आय का स्रोत अच्छा बढ़ा है। पशुपालन तो प्लस है ही है किसानों के साथ में, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ। इससे बदलाव ये आया सर कि पहले जो है ना तो फसल होती थी ठीक से जिससे आय प्राप्त नहीं होती थी और अपराध में भी ज़्यादा लिप्त होते थे कुछ लोग, ये सारी चीज़ें थी इससे पहले। विकास का मॉडल एटम की संरचना की तरह है जो एक दूसरे से गुथा हुआ है, आप इसे आपस में अलग नहीं कर सकते और इनके परिणाम और गति निरंतर बढ़ती रहती है। गोरवा गांव की इस महिला सरपंच को
भूजल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या गांव की किस्मत बदलने से इन महिलाओं की तकदीर भी बदली, क्योंकि नारी बदलेगी तभी समाज और देश भी बदलेगा। हाँ, तालाब बनाने से इतना फायदा हो गया कि बोलो बेराना मेला है, उनको क्या साड़ी साबुत नहीं मिलती थी, पग में चप्पल पहनने की नहीं मिलती साबुत, और माले माल काम करती थी, और अब महिलाओं सब अच्छे अच्छे खाना पीने खाती है और अच्छी साड़ी पहनती है, और बच्चे बच्चे के स्कूल में सब दूर अच्छे कॉलेज में मिलती है, और बच्चे बच्चे को अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उस बच्चे बच्चे को भी अच्छा पहराना ओढ़ाना करती है, और कोई चलने के साइकिल नहीं थी, पैदल ही था, साइकिल खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान बनाया गया, गैस चूल्हा लाया, बहुत वाहन खरीद लिया, मतलब तालाब बनाने से बहुत फायदा हो गया। वहाँ राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया तालाब का बारे में, फिर वहाँ पुरस्कार दिया, वहाँ हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद भी आया, बहुत पुरस्कार दिया तो अच्छा भी लगा। तालाब कवारा में 200 तालाब बन गया है हमारे। सफलता की एक महत्वपूर्ण गाथा देवास में लिखी जा चुकी है, और हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हम एक अन्य महिला सरपंच से भी मिले, जिन्होंने गांव के किसानों को तालाब निर्माण के लिए उत्साहित किया, और इसके लिए इन्हें भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। क्या किसान आसानी से आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गए कि मैं तालाब बनाने, आपको कुछ दिक्कतें भी आई और दिक्कतों का कैसे सामना किया आपने? उनको तो हमें घर घर जाकर प्रेरित किया, समझाया थोड़ा कि इससे फ़ायदा होगा, आपकी ज़मीन सूखी नहीं रहेगी, आपकी दो फसलें होगी, इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और जानवरों को भी फ़ायदा होगा, और आपकी जो गरीबी है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। घर घर जाकर थोड़ा प्रेरित किया उनको, और जैसे आसपास में किसी ने 2-4 तालाब बनाए तो उनको भी बताया कि देखो इन्होंने बनाया है तो इससे इनको ये फ़ायदा हुए है, आपकी ज़मीन सूखी है, उनकी हरी भरी ज़मीन है, इसे घर घर जाकर थोड़ा उनको प्रेरित किया और थोड़ा बताया, जो 2-4 तालाब नदियाँ बनी थी उनको दिखाया तो उनको समझ में आया कि हाँ ये बात सही है, इससे अपने बनाने में अपने को फ़ायदा है, और फिर सरकार भी मदद कर रही है, इसे लोन दे रही है उसके बारे में, तो किसानों को समझ में आ गया। अगर आप मेरे आसपास के ये खेत देखें तो बिजली के खंभे और तारें आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, जबकि आमतौर पर खेतों के आसपास ये दृश्य आम है, लेकिन तालाब निर्माण की इस परंपरा ने किसानों को बिजली पर आश्रित होने से मुक्ति दिला दी है। ट्यूबवेल युग में जमीन से पानी खींचने के लिए लगने वाली बिजली और समय दोनों ही वक्त और पैसों की बर्बादी थी। पूरे देश में जो सिंचाई एरिया है उसका लगभग 80% एरिया ट्यूबवेल और इस तरह के कुओं से सिंचित है। 80% जो सिंचित एरिया है ट्यूबवेल और जो कुओं से करते हैं उसमें ज़्यादातर पानी ऐसा है जो हम 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 150 फीट इस तरह या इससे ज़्यादा गहरे से निकालते हैं, और इनमें ज़्यादातर पानी वो का जो पावर का स्रोत है वो बिजली है, अर्थात बिजली से हम पंप चलाते हैं या इंजन चलाते हैं जिससे हम पानी निकालते हैं। कल्पना करिए कि यदि 100 फीट की जगह पे हम 10 फीट से या 15 फीट से पानी निकालेंगे तो हमारी बिजली का कंजम्पशन कितना घट जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो बिजली जहाँ सबसे ज़्यादा खपत हो रही है उसमें से सिंचाई के लिए जो बिजली प्रयोग की जाती है वो सबसे अधिक है। यदि हम ऐसा करेंगे, इस तरह के मॉडल अपनाएंगे, तो उससे ये परिणाम होगा कि जहां हम आज 100 फीट 150 फीट से पानी निकाल रहे हैं पानी ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और पानी ऊपर आने से जो हमारा बिजली का कंजम्पशन है वो लगभग 90% 80% कम हो जाएगा, जो इस देश के लिए बहुत बड़ी बचत होगी। देवास के हर गाँव में आज सफलताओं की ऐसी कई छोटी बड़ी कहानियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश और देश विदेश से लोग इन गांवों के किसानों के रेवा सागर तालाब की तकनीक को
देखने समझने आ रहे हैं। देवास में जो ये तालाबों का काम हुआ है, किसानों ने लगभग जो 10,000 तालाब बनाए हैं, वो काम भारत के कई हिस्सों में फैला है। बुंदेलखंड जो भारत के काफ़ी दिक्कत वाले इलाकों में है, जहाँ पानी की काफ़ी दिक्कत है, वहाँ महोबा में महोबा के किसान यहाँ आए और यहाँ से देख करके वो गए और वहाँ बहुत तेज़ी से अपने लिए तालाब बना रहे हैं। दमोह के बहुत सारे वहाँ पर जो डीएम साहब हैं और उनकी टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, और वो लोग दमोह में काफ़ी तेज़ी से तालाबों का काम कर रहे हैं। इसके अलावा टीकमगढ़, मंदसौर, कई ज़िलों में ये काम लोगों ने देख करके और फैलाया है। भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं इस काम को देखने के लिए। अफ्रीका के कई देशों से, यूरोप के कई देशों से और अमेरिका से टीमें आ चुकी हैं और यहाँ के काम को देख चुकी हैं और अपने यहाँ फैला रही हैं। 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस अभियान की सफलता को देखते हुए बलराम तालाब योजना बना दी, जिसके तहत किसानों को तालाब बनाने के लिए 80,000 से 1,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इन्हीं सब भागीरथी प्रयासों से किसानों ने अपने खेतों में 10,000 से भी ज्यादा तालाब बनाकर स्वावलंबन की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। अगर भविष्य में कभी आपको फिर से अगर ट्यूबवेल लगाना पड़े तो क्या आप लगाओगे? क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है तालाब से शायद। नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? ये पानी खराब निकलता है, खारा निकलता है, जमीन को खराब करता है, इसलिए नहीं लगाएंगे। धतूरिया में 150, भैरवान खेड़ी में लगभग 150, टोंक कला में 132, गोरवा में 150 से भी अधिक तालाब हैं। हरनावदा, लसुड़लिया, चिड़ावद, जिरवाय में भी हर गांव में 100 से ज्यादा तालाब हैं। गांव में अब एक भी मकान कच्चा नहीं है। पहले 1.5 क्विंटल या क्विंटल का होता था, अब 4-5 क्विंटल, 10 क्विंटल से 7 क्विंटल तक होता है। प्रत्येक किसान के घर में सोयाबीन भरे और सेल्फ है, सब कोई कमी नहीं है फसल की। खेती भी बड़ी, खेत भी सही हुआ और स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मतलब तालाबों के बनाने से आज ये उत्पादन इतना बढ़ गया है यहाँ पे गाँव में कि यहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं, अब तो यहाँ ट्रैक्टरों से माल को खलिहान से लाना पड़ता है। इससे पैदावार करीब करीब 5 गुना बढ़ी है। पहले ज़मीन सूखी रहती थी, बंजर रहती थी, सिर्फ सोयाबीन की फसल ही पैदा होती थी, और जैसे अब बलराम तालाब बनाए हैं, रेवा सागर तालाब बनाए, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनमें दो दो फसलें पैदा होने लगी। जिसके घर में साइकिल नहीं थी, आज उसके घर में मोटरसाइकिल है, मारुति है, मतलब घर घर की हालत, जिसने तालाब बना लिए उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई पहले के बजाय। देवास जिले में भी बड़ी संख्या के तालाबों का सीधा असर यहाँ के वातावरण और पर्यावरण पर भी पड़ा। आज यहाँ बड़ी संख्या में काले हिरन, चीतल और बारहसिंगा देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 7 से अधिक तरह के मेंढक और हमने बड़ी संख्या में तितलियाँ भी रंग बिरंगी यहाँ पे देखी। इसका सीधा सारा श्रेय जाता है यहाँ के किसानों की मेहनत को, जिनके बदौलत आज यहाँ के वातावरण में इतना बड़ा बदलाव आया। पानी प्रकृति के जीवन चक्र का अहम हिस्सा है और पानी में ही जीवन पनपता है। देवास के तालाबों से सिर्फ किसानों का ही भला नहीं हुआ, बल्कि इसने वहां के पर्यावरण पर भी बेहद सकारात्मक प्रमाण छोड़ा। भूजल स्तर बढ़ने से आई हरियाली के कारण यहां पर आपको काले चीतल, हिरण, तितलियां, प्रवासी पक्षी भी बड़ी आसानी से विचरण करते नजर आ जाएंगे। कुलाचे भरते ये हिरण और चीतल एक बारगी आपको किसी सघन वन में होने का एहसास दिला देंगे। हाल ही में एक शोध के अनुसार यहाँ पर 7 से ज्यादा प्रजातियों के मेंढक पाए गए हैं। दरअसल बहुत से किसानों ने भी वन्य जीवों के पनपने के लिए तालाबों के बीचों बीच छोटे छोटे टीलों का निर्माण कराया है, जिससे कि वहाँ पर
वन्य जीवन पनप सके। ऐसी सैकड़ों जातियां जो वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी थीं या फिर प्रवास करने नहीं आ रही थीं, अब झुंड के झुंड में आ रही हैं। मैं 40 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे मोर नहीं देखे थे, हिरन नहीं देखे थे, आज वो सब कुछ देख रहा हूं जो पहले नहीं देखे थे। यहाँ इतना काफ़ी बदलाव आ गया, नई नई प्रजाति के पक्षी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे तालाब बनाने से कई फायदे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ सांप और नेवलों की लड़ाई दिख जाना आम सी बात है। ऐसी तमाम वनस्पतियां और पेड़ पौधे यहां देखने को मिल जाएंगे जो वर्षों से विलुप्ति की कगार पर थे। 16 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने देवास के भागीरथ कृषक अभियान को विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनव के लिए चुना जल प्रबंधन के क्षेत्र में। आज तालाब निर्माण की ये तकनीक और संस्कृति देवास से बाहर भी दूर दूर तक किसानों में लोकप्रिय हो रही है। भारत में जितने भी पानी के काम पिछले 50 साल में हुए हैं, 2-3 बहुत सुंदर काम हुए हैं, उन 2-3 कामों में से देवास के काम हमको हम गिन सकते हैं, क्योंकि देवास के काम की वजह से, देवास में किसानों के तालाब की वजह से और उनको देख करके लगभग मेरा अंदाज़ा है कि करीब 20-25 हज़ार तालाब भारत के अन्य हिस्सों में भी बने होंगे। तो देवास का काम की खूबसूरती और उसकी खुशबू लगातार भारत ही नहीं विदेशों में भी फैल रही है। भागीरथ कृषक अभियान ने ये साबित कर दिया है कि यदि सरकार और समाज सूझबूझ और अच्छे ढंग से काम करें तो पिछले 40-50 सालों में पानी के क्षेत्र में हमने जितनी अनियमितता और लापरवाही दिखाई है, उन सब गलतियों को हम महज 2-4 साल में ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत है देवास के जैसे और कई भागीरथों की। देवास के किसानों ने बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करके सफलता की एक नई कहानी लिखी है। इन्हें अगर हम आज आधुनिक युग का भागीरथ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक मिसाल है उन हजारों लाखों गांवों के लिए जो आज भी पानी की कमी से बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज भी हमारी जो कृषि की निर्भरता है वो बारिश के पानी पर डिपेंड करती है। सरकार अगर नहरें बनाती है तो भी हमारे अधिकांश जिलों में खेती आज भी सूख जाती है अगर वहाँ पर नहरें ना पहुँच पाए। उनसे सबक लेते हुए आज भी किसानों को चाहिए कि बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करें और जो शहरी इलाके हैं उन्हें भी वाटर हार्वेस्टिंग के तौर तरीकों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है। आज बस इतना ही, नमस्कार। इनारे ताल ने करियो रे कमाल, इनारे ताल ने करियो रे कमाल, किरसन हुई गया माला माल, किरसन हुई गया माला माल, लागा नाम बड़ा वन को, बड़ा बड़ा तालिया ने बड़ी बड़ी पाल है, बड़ा बड़ा तालिया ने बड़ी बड़ी पाल है, पाल पाली अरहर लागी, किसान की या किस्मत जागी, घर की वहीगी दाल पावना जी मावन को, घर की वहीगी दाल पावना जी मावन को।